जय श्री महाकाल। नमस्कार दर्शक मित्रों, आगे हम रथ कथा के बारे में कुछ बातें बताई हैं कि सुदर्शन चक्र वन में जा रहे हैं और नारायण की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तभी आगे जाते हुए एक हाथी का बच्चा जो है वो पहले उस सुदर्शन चक्र को नज़र में आया और उसका मस्तक लेते हुए वापिस आए और भगवान शिव जी ने उस मस्तक से वह बालक की पुनः उनको जीवित किया और नया जीवन दान दिया और नया स्वरूप भी दिया। कुछ समय तक उस बालक को समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ, कैसे हुआ और मेरा ये मस्तक क्यों बदला हुआ है। तभी माता पार्वती ने उनसे गजानन कहते हुए, गणेश कहते हुए उनके अच्छे नाम से उनको पुकारा और सभी देवी देवता आए, वह नाम सुनते ही प्रसन्न हुए। मित्र, आपको एक बात विशेष बताना चाह रहा हूँ कि जो गजमुख है, जो हाथी का बच्चा जो था, वो अपने पूर्व जन्म में वो एक गजराज थे और भगवान नारायण के परम भक्त थे। वो दिन रात हर घड़ी हर समय श्री हरि मंत्र का जाप करते। वह गजराज जाप जो भगवान नारायण की भक्ति करते, लेकिन भक्त की एक अच्छी ऊर्जा होती है कि उन्हें पता चलता है कि उनके स्वामी कहाँ से आने वाले हैं और स्वामी का दर्शन कब होगा। तब गजराज को भी ये महसूस हुआ कि नारायण कुछ ही समय के बाद यहाँ आने वाले हैं। और जब गजराज जो उस यानी कि नदी में जो तालाब में थे और तालाब में जो बहुत सारे कमल थे, उन्होंने सोचा कि यह कमल लेते हुए मैं नारायण की पूजा करूँ, नारायण को ये कमल अर्पण करूँ तो ये मेरा जन्म जो है सिद्ध हो जाएगा और मैं धन्य हो जाऊँगा। लेकिन जब गजराज वो कमल लेते हैं और उसी समय में माया रूपी जो मगरमच्छ है उनके पाँव को जकड़ लेते हैं और बहुत ही असहनीय वेदना जो है गजराज को होती है। अब हमारे जीवन में भी ऐसे ही कुछ छोटी बड़ी घटनाएं भी होती हैं कि हम कुछ देव कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, व्रत करते हैं, जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसी समय में हमें ऐसी माया लगती है कि हमें उस शुभ कार्य करने में मन नहीं लगता है, अभिमान आता है, क्रोध आता है और बार बार हमारे कार्य में ज़्यादा विघ्न भी आते हैं। इसीलिए मन को अच्छी तरीके से दृढ़ रखेंगे, मक्कम रखेंगे, स्थिर रखेंगे और शुभ कार्य करेंगे तो अवश्य आपको अच्छे लाभ मिलेंगे और आपके कार्य में अवश्य सिद्धि सफलताएँ प्राप्त हो। मित्रों, समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसीलिए मुझे दीजिए अनुमति। जय श्री महाकाल।